बेलघाट थाना क्षेत्र दियारा में सोमवार को कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 घंटे की कामबीन कर दियारा में बड़ा अभियान चलाया। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीओ गोला सतीश चंद शुक्ल, थाना अध्यक्ष बेलघाट दीपक कुमार, सिकरीगंज थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, उरवा थाना अध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह और बेलघाट थाने की पुलिस ने दियारा के लगभग 3 किलोमीटर की परिधि में कामबिंग कर दर्जनों कच्ची शराब बनाने के भट्टियों को जेसीबी मशीन से तोड़ा और सैकड़ों कुंतल लहन गुड़ नष्ट करते हुए लगभग 500 लीटर बनी कच्ची दारू को भी नष्ट किया। मौके से कच्ची के कारोबारी फरार हो गए थे। एसएसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी कीमत पर कच्ची शराब नहीं बनने दी जाएगी और न ही बिकने दी जाएगी। जो भी कारोबारी इस अवैध कार्य में लिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध धारा 272 की भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, किसका घर के लेके जाते हैं इसकी है मर, ये पता है वो भी ड्रम फेंको। हाँ सही बात, नलवा तोड़ के खा गया, पेपर से तो तोड़ गया। इसलिए मोबाइल नंबर भी दोनों पक्षों को डाल दिए थे। चलो भाई लोग खड़ी करो, चलो कल बेलघाट थाना अंतर्गत दियारा जो क्षेत्र है उस पर अवैध शराब जो बनाते हैं उनके विरुद्ध अभियान चला था, जिसमें 3 थानों की फोर्स सीओ गोला, एसओ उरवा, एसओ सिकरीगंज और एसओ बेलघाट, इनके साथ एक कंबाइंड अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 10 भट्टियों को तोड़ फोड़ किया गया, उन्हें चेक किया गया। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में शराब बना हुआ और लहन सैकड़ों लीटर नष्ट किया गया, बहुत अधिक गुड़, नौशादर, ईट, वो कोयला सब बरामद हुआ है। नहीं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दूर से ही गाड़ियाँ दिख जाती हैं, चाहे वो सिविल में भेजिए, चाहे वर्दी में कोई जाए, या मोटरसाइकिल से भी मैंने भेजा था आगे एक टीम, लेकिन सब मौके का फ़ायदा उठा के वो निकल जाते हैं, दूर से ही दिखती हैं।